आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ तो देखो क्वेश्चन में क्या गया ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन फॉलोड बाय इंफॉर्मेशन इन थ्री स्टेटमेंट देखो तीन स्टेटमेंट है यू हैव टू स्टडी द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स एंड डिसाइड व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल देखो इंटरेस्ट हमसे क्वेश्चन में थ्री तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे करेंगे? क्या होता है? होता है। जितना टोटल होगा उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है हमें और तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें अमाउंट पता होना चाहिए और प्रिंसिपल पता होना चाहिए अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे अमाउंट हम फाइंड आउट करेंगे वन प्लस रेट डिवाइड बाई हंड्रेड की पावर टी अब देखो इसके लिए हमारे पास अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल एक तो हमारे पास होना चाहिए और एक हमारे पास रेट की वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि टाइम की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है टाइम इज इक्वल टू थ्री इयर्स गिवन हमें तो प्रिंसिपल और रेट चाहिए तो उसके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमें हमें कहा गया सिंपल इंटरेस्ट अर्ड ऑन दैट अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो रेट यहाँ पर है उसी रेट की बात कर रहा है इंटरेस्ट टू इज टू बाइ टाइम डिवाइड बाई हंड्रेड होता है सिंपल इंटरेस्ट थ्री थाउजेंड गिवन है हमें प्रिंसिपल हमें बताया गया है कि जो अमाउंट है वही है जो यहाँ पर जो अमाउंट है प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर प्रिंसिपल है इंटू रेट की बात करें तो सेम रेट कह रहा है इन रेट इंटू टाइम कह रहा है 2 2, मतलब डिवाइड बाय तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास यहाँ पी और आर अननोन है ठीक है सेकंड इक्वेशन की बात सेकंड स्टेटमेंट को कंक्लूड करते हैं अब देखो हम सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फाइव परसेंट पर एन एम देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया अगर हम सेकंड की बात करें सेकंड स्टेटमेंट से हमें रेट गिवन है कितना है फाइव परसेंट पर एन एम है तो अगर हमारे पास देखो फर्स्ट में दो अननोन वेरिएबल्स थे लेकिन एक हमारे पास आर की वैल्यू हमारे पास आ गई जब आर की वैल्यू हम फाइव परसेंट पुट करेंगे तो हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेंगे जब हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा तो हम अमाउंट भी फाइंड आउट कर लेंगे रेट हमारे पास आ गया पांच और प्रिंसिपल हमने यहाँ से इक्वेशन वन से फाइंड आउट कर लिया मतलब स्टेटमेंट वन से फाइंड आउट कर लिया हमने तो जब अमाउंट आ गया तो अमाउंट में से प्रिंसिपल हम माइनस कर देंगे तो उस कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारे पास तो फर्स्ट और सेकंड का यूज करके तो हम निकाल सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड कहेंगे हम ठीक है थर्ड इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं देखो थर्ड में कहा गया द प्रिंसिपल सम इज रुपीज ट्वेंटी फोर थाउजेंड अब देखो थर्ड जो है इक्वेशन थर्ड जो स्टेटमेंट है हमें बता दिया कि जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू ट्वेंटी फोर थाउजेंड है अगर देखो एक बात बताओ अगर हमारे पास प्रिंसिपल हो अगर हम मान ले कि हमारे पास प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से हमें सेकंड से हम कंक्लूड कर ले तो सेकंड और थर्ड को मिलाकर भी हम क्या निकाल सकते हैं अमाउंट निकाल सकते हैं देखो आउट तो कर सकते हैं तो से भी हमने निकाल लिया है। अब देखो अगर हम बात करें फर्स्ट और थर्ड से क्या हम निकाल सकते हैं फर्स्ट और थर्ड की बात करेंगे तो देखो प्रिंसिपल की वैल्यू हमें दे दी ट्वेंटी फोर हंड्रेड अगर प्रिंसिपल की जगह हम ट्वेंटी फोर हंड्रेड पुट कर दे तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी और जब आर की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ तो आर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ हम प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करेंगे अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे और जब अमाउंट हमारे पास आ गया तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे मतलब ट्वेंटी फोर हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फोर थाउजेंड माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा तो फर्स्ट और थर्ड से भी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा कौन कौन सा सफिशियंट होगा देखो एनी टू आउट ऑफ थ्री तीनों में से कोई भी दो हम सेलेक्ट करके आंसर निकाल सकते हैं अपना सो ऑप्शन फोर विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन थैंक यू क्लास से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर